वेलकम स्टूडेंट्स, इन द लास्ट लेक्चर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कार्टिलेज। यहाँ पर कार्टिलेज दैट इज़ इंक्लूडेड इन द कनेक्टिव टिशू, कार्टिलेज और बोन दोनों को कनेक्टिव टिशू के अंदर यहाँ पर शामिल किया गया है, जिसके अंदर कार्टिलेज जो सॉफ्ट बोन कहलाती है और बोन्स जो इसके बाद हम देखेंगे वो रहेगा हार्ड एंड टफ पार्ट ऑफ द बॉडी, उसको जो है बोन कहा जाएगा। कार्टिलेज के अंदर हमने देखा है लास्ट लेक्चर के अंदर कि सबसे बाहर आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है उसको पेरिकॉन्ड्रियम कहेंगे। फिर उसके अंदर यहाँ पर मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स जो जेली लाइक मटेरियल्स है, बहुत सारे फाइबर्स हैं, सेल्स वगैरह पाए जाते हैं। इनके अंदर जो सेल्स हैं, कार्टिलेज के जो सेल होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज कॉन्ड्रोसाइट्स। कॉन्ड्रोसाइट के अतराफ में यहाँ पर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है विच प्रोवाइड एक्स्ट्रा सपोर्ट टू द सेल, दैट इज़ कॉल्ड ए लैक्यूना। इस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे पार्ट हैं जहाँ पर सॉफ्ट बोन कार्टिलेज की ज़रूरत पड़ती है और वहाँ पर कार्टिलेज जो यहाँ पर पाए जाते हैं। अब बॉडी के अंदर जो अलग अलग पार्ट हैं तो वहाँ पर कार्टिलेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस आर प्रेजेंट इन दैट डिफरेंट पार्ट्स। तो वहाँ पर वही हमें देखना है, अगर ह्यूमन बॉडी को हम यहाँ पर सामने रखते हैं तो ह्यूमन बॉडी के अंदर यहाँ पर जो है अलग अलग डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर यहाँ पर फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस आर प्रेजेंट। और वहाँ पर वही आज का हमारा लेक्चर है, टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। हेलाइन कार्टिलेज है फर्स्ट है, सेकंड जो है यहाँ पर इलास्टिक कार्टिलेज, थर्ड है फाइब्रो कार्टिलेज और फोर्थ टाइप जो रहेगी वह कैल्सीफाइड कार्टिलेज। इस तरीके से यहाँ पर जो फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेजेस आर प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले हम देखते हैं हेलाइन कार्टिलेज। द मीनिंग ऑफ हेलाइन दैट इज जनरली द ग्लास लाइक, ग्लास के जैसा ट्रांसपेरेंट दिखाई देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ट्रांसपेरेंट कार्टिलेज होते हैं। अब इनके अंदर क्या कैरेक्टर्स, क्या प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, वन बाय वन एक एक के अंदर हमें यहाँ पर देखना है। पेरिकॉन्ड्रियम इज प्रेजेंट, यानी आउटर मोस्ट कवरिंग, आउटर मोस्ट जो वॉल है वो यहाँ पर जो है डिस्टिंक्टली प्रेजेंट है, क्लियर कट ये जो है यहाँ पर प्रेजेंट होती है। इनके अंदर जो मैट्रिक्स है, वॉल के अंदर जो जेली लाइक मटेरियल, साइटोप्लाज्म लाइक मटेरियल जो रहेगा वो जेल लाइक रहेगा, यानी विस्कस लिक्विड यहाँ पर जो है प्रेजेंट रहेगा। सोल्यूशन यहाँ पर जो रहेगा बहुत ज़्यादा थिक्स मटेरियल रहेगा, जेली लाइक मटेरियल रहेगा। और ये मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पर वेरी फाइन कोलेजन फाइबर्स आर प्रेजेंट, यहाँ पर वाइट कलर के फाइबर यहाँ पर रहेंगे और वाइट फाइबर जो होते हैं उनको कोलेजन फाइबर्स कहा जाएगा। और वो कोलेजन फाइबर्स जो होते हैं वो दैट आर वेरी फाइन, इंतहाई बारीक बारीक यहाँ पर रहेंगे, माइक्रोस्कोपिक नेचर यहाँ पर रहेगा, इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देते हैं। और इसी यहाँ पर मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पर कॉन्ड्रोसाइट्स आर प्रेजेंट, सेल्स ऑफ कार्टिलेज वो यहाँ पर जो है एट सर्टन इंटरवल्स दे आर प्रेजेंट इन स्कैटर्ड फॉर्म, स्कैटर्ड फॉर्म में यहाँ पर जो है पाए जाएंगे कॉन्ड्रोसाइट्स आर प्रेजेंट। ये जो कार्टिलेज होती है हेलाइन कार्टिलेज दैट इज़ इलास्टिक इन देयर नेचर, उसके अंदर इलास्टिसिटी पाई जाती है, लचक पाई जाती है, इसीलिए दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज, इसका जो रोल रहेगा, इसका जो फंक्शन होता है वो शॉक एब्सॉर्बर के तौर पर यूज़ होती है। और इसी तरीके से दैट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन, अगर जॉइंट्स के दरमियान यहाँ पर जो पाई जाती है, जब ये हेलाइन कार्टिलेज है तो दो बोन यहाँ पर उनके बीच में कार्टिलेज रहेगी तो उनके दरमियान में फ्रिक्शन को जो है यहाँ पर ये अवॉइड करती है, दैट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन। और अगर बॉडी में कहीं ज़ोर से मार लग जाए तो ये उसको जो है शॉक को जो है झटके को जो है यहाँ पर टॉलरेट करने की एबिलिटी पाई जाती है। तो ये इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हेलाइन कार्टिलेज के अंदर पाई जाती हैं। एग्जाम्पल एंड्स ऑफ द लॉन्ग बोन, हमारे बॉडी के जितने भी हमारे फोर लिम और हाइंड लिम, हाथ और पैर के जितने भी बोन्स पाए जाते हैं उनके यहाँ पर जो एंड्स होते हैं, एक बोन खत्म होती है दूसरी बोन शुरू होती है, तो इनके बीच में यहाँ पर जो हेलाइन कार्टिलेज मौजूद है जो जॉइंट्स के अंदर फ्रिक्शन को जो है यहाँ पर अवॉइड करते हैं। इसी तरीके से ट्रकिया के अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हवा की जो नाली है, ट्रकिया जो होती है उसके अंदर भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, यहाँ पर वो भी जो हेलाइन कार्टिलेज से मिलकर बनी हुई है। और उसके अलावा एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस जो ट्रकिया के ऊपर जो यहाँ पर लीड लाइक स्ट्रक्चर है, ढक्कन लगा हुआ ताकि गिजा उसके अंदर जाने ना पाए, वो भी जो है यहाँ पर हेलाइन कार्टिलेज का मिलकर जो है यहाँ पर बना हुआ होता है। इस तरीके से ये पहली टाइप हमारी होती है हेलाइन कार्टिलेज। दूसरी टाइप जो है यहाँ पर इलास्टिक कार्टिलेज, एज द नेम इंडिकेट्स इलास्टिक,
दैट इज़ ऑल्सो इलास्टिक इन देयर नेचर। हाइलाइन कार्टिलेज की बनिस्बत यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी पाई जाएगी। ये भी इलास्टिक नेचर है लेकिन यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी इनके अंदर मौजूद रहेगी। सो द नेम इज़ गिवन इलास्टिक कार्टिलेज। पेरिकॉन्ड्रियम यहाँ पर भी प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट वॉल यहाँ पर भी है। मैट्रिक्स यहाँ पर जो रहेगा यहाँ पर जेल लाइक है, यहाँ पर इलास्टिक फाइबर से बना हुआ होता है, यानी मोर इलास्टिसिटी दैट आर प्रेजेंट इन दैट। इलास्टिक नेचर वहाँ पर जो है ज़्यादा है। कॉन्ड्रोसाइट्स फ्यू इन नंबर, अगर कॉन्ड्रोसाइट्स ज़्यादा रहेंगे तो ऐसे में यहाँ पर जो उसके अंदर इलास्टिसिटी कम है। अब यहाँ पर कॉन्ड्रोसाइट वेरी फ्यू इन नंबर हैं, स्कैटर्ड हैं, बिखरे हुए हैं, तो उसके अंदर इलास्टिक नेचर जो है और ज़्यादा जो है यहाँ पर बढ़ जाता है। और इसका जो फंक्शन होता है दैट सपोर्ट एंड मेंटेन द शेप ऑफ द पार्ट, जो भी बॉडी का ऑर्गन है उसके शेप को मेंटेन रखते हैं और उसको सपोर्ट करने का काम इनका होता है। तो दैट टाइप ऑफ कार्टिलेज दैट इज़ कॉल्ड एज इलास्टिक कार्टिलेज। और बॉडी के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं ईयर लोब, हमारे कान का जो ईयर लोब है जिसको पिन्ना भी कहेंगे, ये इलास्टिक कार्टिलेज। आप देखो जितना भी इसको ट्विस्ट करोगे छोड़ दोगे फिर वो अपने शेप को मेंटेन कर लेगा, ऐसे ही मुड़ा हुआ नहीं रहेगा, अपने शेप को मेंटेन कर लेगा। और हमारे कान को जो है यहाँ पर सपोर्ट करता है, साउंड वेव्स को जो है यहाँ पर रिड्यूस करता है, उसकी स्पीड को, उसके वॉल्यूम को कम करने का काम होता है। इसी तरीके से नोज टिप, नाक का ये जो टिप यहाँ पर होता है, यहाँ पर इलास्टिक कार्टिलेज है, कितना भी हम उसको मोड़ते हैं फिर वो अपनी ओरिजिनल पोजिशन पर यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके की कंडीशन यहाँ पर जो है पाई जाती है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। फिर उसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं थर्ड टाइप है फाइब्रो कार्टिलेज। एक चीज़ ध्यान रखना है बच्चों, जहाँ पर वर्ड है फाइब्रो या फाइब्रस उसका मतलब होता है दैट आर रिजिड इन देयर नेचर, यानी वो जो बहुत ज़्यादा मजबूत है, मजबूती सप्लाई करने के लिए ज़िम्मेदार है या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए ज़िम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर पेरिकॉन्ड्रियम इज़ एब्सेंट, आउटर मोस्ट कवरिंग यहाँ पर जो है दैट इज़ टोटली एब्सेंट। अब मैट्रिक्स जो है यही मेन पार्ट है दैट इज़ मेड बाय लार्ज नंबर ऑफ वाइट फाइबर। और अभी पहले में हमने देखा वाइट फाइबर दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज कोलेजन फाइबर जिसको कहा जाएगा। दीज आर रिजिड इन देयर नेचर, यानी थोड़ा हार्डनेस इसके अंदर पाई जाती है, हार्ड और टफ नेचर जो है इसका जो यहाँ पर मौजूद होता है। और यहाँ पर ये जो कार्टिलेज है दैट आर प्रेजेंट इन द वर्टिब्री वर्टिब्रल कॉलम, जो रीढ़ की हड्डियों का सुतून है, जो बैक साइड में यहाँ पर पाया जाएगा, तो वर्टिब्री के अंदर होते हैं। और इसी तरीके से इंटर वर्टिब्रल डिस्क, दो वर्टिब्री के दरमियान जो गेप होता है वहाँ पर ये कार्टिलेज फाइब्रो कार्टिलेज जो यहाँ पर भरी हुई होती है, ये कंडीशन है। और इसी तरीके से प्यूबिस बोन, हमारा जो कूल्हे की हड्डी का जो जोड़ होता है, आगे जो जॉइंट होता है उसको कहा जाता है प्यूबिक सिम्फाइसिस, वहाँ पर जो जॉइंट होते हैं उसके अंदर भी स्लाइट मोमेंट यहाँ पर पाया जाएगा। जब इंसान जंपिंग कर रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, कूद रहा है, इसी तरीके से लेडीज़ के अंदर, प्रेग्नेंट लेडी के अंदर जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है उसको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर जो जिम्मेदार होते हैं। तो वेरी स्लाइट मोमेंट दैट आर प्रेजेंट इन दैट, बिकॉज फाइबरस नेचर दैट आर मोर इन देयर नेचर विच प्रोवाइड रिजिड नेचर। तो इस तरीके से आगे से बॉडी को जो है यहाँ पर सपोर्ट करने का काम जो इनका होता है। इसी के साथ हम देख रहे हैं लास्ट टाइप यहाँ पर जो होती है कैल्सीफाइड कार्टिलेज। ये जो कैल्सीफाइड कार्टिलेज है दैट इज़ रिजिड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ द सॉल्ट ओल्ड एज के अंदर। जब इंसान की उम्र ज़्यादा हो जाती है तो यहाँ पर जोड़ों के अंदर, जॉइंट के अंदर पेन होता है, जॉइंट के अंदर यहाँ पर चलने फिरने, उठने बैठने में दुश्वारी होती है। उसकी वजह यह होती है कि जोड़ों के दरमियान जो कार्टिलेज है वहाँ पर सॉल्ट का डिपोजिशन हो जाता है। तो जो फ्री मूवमेंट होता था, जो फ्रिक्शन फ्री मूवमेंट यहाँ पर होता था, वो मूवमेंट नहीं होता है, बीच में सॉल्ट जो होते हैं वो उसको जो है जाम कर देते हैं, कैल्शियम के सॉल्ट यहाँ पर जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जॉइंट जो होते हैं वो रिजिड हो जाते हैं, हार्ड और टफ हो जाते हैं, और उनके मूवमेंट करने में जो है यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो कैल्शियम के सॉल्ट यहाँ पर जमा हो जाते हैं, इसीलिए उसको कैल्सीफाइड यहाँ पर जो कार्टिलेज कहा जाएगा। अब सॉल्ट के जमा होने की वजह से दीज रिड्यूसेस द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द जॉइंट इन ओल्ड एज। जॉइंट के अंदर जो फ्लेक्सिबिलिटी, जो इलास्टिक नेचर यहाँ पर मौजूद था, जो फ्री मूवमेंट होता था, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर जो ख़त्म हो जाती हैं। तो ओल्ड एज के अंदर अक्सर इंसान जो है ये प्रॉब्लम उसके बॉडी के अंदर, जॉइंट्स के अंदर ये क्रिएट होते हैं। और ये जो यहाँ पर कार्टिलेज रहेगी, जो ओल्ड एज के अंदर कैल्शियम के सॉल्ट डिपॉजिट होने से जिसके अंदर मॉडिफिकेशन पाया जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड एज कैल्सीफाइड कार्टिलेज। उसके बाद जो यहाँ पर इसकी जो एग्जाम्पल है हेड ऑफ द लॉन्ग बोन,
हम देखते हैं हेड ऑफ द लॉन्ग बोन, खास तौर से नी जॉइंट, घुटने का जो जोड़ है। आज हम देखते हैं बहुत ढेर सारे लोग जो है ओल्ड पीपल जो होते हैं वो घुटने के जोड़ के, घुटने के अंदर जो पेन होता है, नी जॉइंट जो होता है उसके पेन के अंदर बहुत ढेर सारे लोग जो है यहाँ पर मुतासिर हैं। अक्सरियत से ओल्ड एज के अंदर यहाँ पर जो है जॉइंट पेन का प्रॉब्लम यहाँ पर जो हो जाता है। बहरहाल ये इतने जो है दीज आर फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्टिलेज। तो यहाँ पर जो है बॉडी के अंदर हर ह्यूमन के अंदर यहाँ पर अलग अलग पार्ट्स पर ये मौजूद हैं, एग्जाम्पल के साथ यहाँ पर बताया गया है। इसको आप जो स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं बोन की तरफ। थैंक यू वेरी मच।